हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 11 के साथ में। बच्चों के पेपर बच्चे कह रहे सर 27 तारीख को पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, उस पर भी अभी हम काम कर रहे हैं बैठे हुए सर, ठीक है, और कोशिश करेंगे आज शाम तक आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देने की। लेकिन इस वाले जो आज की ये वीडियो होने वाली है, इसमें हमने लगभग 70 से 80 के करीब, बल्कि लगभग 100 के करीब विकल्प कवर करने वाले इस एक वीडियो में। क्यों? क्योंकि भैया आपके पेपर हैं, ये सीरीज लंबी चलने वाली है, ठीक है, लेकिन जब पेपर हैं तो कंटेंट की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा सर, सीधी सी बात है। तो जिन भी बच्चों के पेपर है, परेशान ना हो मेरे भाई, पूरी जान लगा रहे हैं। चलिए सर शुरू करते हैं डे 11 के साथ में। पहला, ये अपनी यूनिट है डाई, सभी को पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोफोर, सबको पता होना चाहिए क्रोमोफोर क्या होता है, जिनकी वजह से डाई में कलर आता है। तो डाई में कलर आता है किसकी वजह से, NO2 हो गया, इस तरीके की चीजें। तो NO2 एक क्रोमोफोर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोफोर, NO2 एक क्रोमोफोर है सर, ठीक है। द वाटर सॉल्बिलिटी ऑफ डाइज, यानी जो डाई हैं उनकी पानी में जो घुलनशील क्षमता है, कैन बी इंक्रीज, बढ़ाई जा सकती है। किससे बढ़ाई जा सकती है? या तो SO3Na ग्रुप आ जाए, या तो COOH ग्रुप आ जाए, या तो OH ग्रुप आ जाए, यानी अगर इस तरीके ग्रुप्स हम लोग इंक्लूड करा देते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड इंक्लूड करा देते हैं इस तरीके के ग्रुप वाला सर, तो क्या होगा, तो डाई की विलयता पानी में बढ़ जाएगी और डाई आसानी से घुल जाएगी सर, ठीक है। द रीजन वाई मटेरियल्स अपीयर कलर्ड इज, यानी जो मटेरियल्स होते हैं वो कलर क्यों दिखाते हैं, तो वो कलर क्यों दिखाते हैं, बहुत सारे रीजन है। नंबर एक, द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रल कलर्स, यानी एक बहुत सिलेक्टिव अवशोषण होता है कलर्स का, इस वजह से दिखाते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डाई मॉलिक्यूल, बीच में इंटरेक्शन मतलब कनेक्शन, हमारे और आपके बीच में भी क्या हो रहा है, वीडियो के जरिए इंटरेक्शन हो रहा है, तो मेरे भाई क्या इंटरेक्शन बिटवीन लाइट यानी प्रकाश और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। द कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम वेरियस स्पेक्ट्रल कलर्स, यानी इस तरीके का कंपोजिशन बन जाता है कि जिनसे वो कलर शो करने लगते हैं सर, ठीक है। विच डाइज बिकम लिंक्ड टू द फाइबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कौन सी डाई जो है वो फाइबर से लिंक हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, तो जितनी भी एसिड डाइज होती हैं वो सारी की सारी कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है भाई। द सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू, जो सब्सटेंस है वो कलर क्यों दिखाते हैं, तो अभी हमने ऊपर लिखा था क्वेश्चन नंबर 3 में बड़े बड़े 3-4 पॉइंट थे सर, ठीक है, तो इनकी वजह से, अगर ये तीनों में से कोई आ जाए या ऑल ऑफ द अबव लिख के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अक्रोमोफोर, अभी ऊपर बताया NO2 क्या है मेरे भाई, क्रोमोफोर है और ये कलर शो करता है। ऑक्सोक्रोम क्या है, तो ऑक्सोक्रोम हमने आपको बताया था, क्रोमोजेन, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम कुछ क्या होते हैं जो खुद कलर नहीं शो करते हैं, उनकी पावर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम कह देंगे, जैसे OH हो गया, ठीक है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग डाई, यानी जो प्रकृति में हमें मिल जाती है नॉर्मल तरीके से डाई, कौन सी है, तो इंडिगो डाई है सर, ठीक है। अ मॉल्डेंट इज अ सब्सटेंस, यानी मॉल्डेंट क्या होता है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे महाक्लास तो हमने आपको बताया था मॉल्डेंट का मतलब होता है डायरेक्ट, अगर डाई कनेक्ट नहीं हो रही है तो इसकी सहायता से हम लोग डाई को कपड़े पे, फाइबर पे, कहीं भी चिपका सकते हैं, मॉल्डेंट कहलाता है, यानी फिक्स्ड डाई ऑन द फैब्रिक्स, यानी जो फैब्रिक के ऊपर चिपकाने का काम करे, फिक्स करने का काम करे, उसे डाई कहते हैं, ठीक है सर। सोल्यूशन ऑफ विच डाई इज यूज, यानी कौन सा सोल्यूशन यूज होगा डाई का, फॉर स्टेरिलाइजिंग स्किन एंड इन, अब यहां पे देखिए बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, अब यहां पे देखिए जैसे जब भी कभी गाइनो का वर्ड आता है, ठीक है, गाइनो वर्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गाइनो मतलब क्या होता है, सब लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे वैसे होंगे तो हम, ठीक है यार, कुछ लोग कह देंगे सर जी कैसे वर्ड यूज कर रहे हो, ज्यादा नहीं, लेकिन कुल मिला के गाइनोकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, थोड़ा सा फीमेल से कनेक्टेड चीजें हैं, और इस तरीके की चीजें, इनमें कौन यूज किया जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट को यूज किया जाता है सर, ठीक है, देख लेना, स्किन वगैरह के लिए, ठीक है, जो धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं उन सब में भी इसका यूज करा जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज टू कलर लेदर, पेपर, इंक, ड्रग, यानी लेदर हो गई, ठीक, जूते वूते होते हैं, इंक हो गई, ठीक है, इस तरीके की चीजें हो गई, और क्या पेपर हो गया, इन सबको कलर करने के लिए किसका यूज करते हैं, ईओसिन का यूज करते हैं, किसका, ईओसिन का, ठीक है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड डाई, बैड डाई कौन होती है, तो इंडिगो होती है सर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइफेनिल मेथेन डाई, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट ट्राइफेनिल मेथेन डाई होती है, पता होना चाहिए, एक्चुअली एक तरीके से आपसे फार्मूला जानने की कोशिश कर रहा है, तो क्रिस्टल वॉयलेट होती है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आपको लग रहा है फिलहाल, तो हम कोशिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव में भी बताने की, फिर भी दिक्कत लगे तो एक बार, हम हमेशा कहेंगे महाक्लास जरूर देख लेना भगा भगा के, 2-3 घंटे लगेंगे अगर पेपर को टाइम है अभी,
तो देख लेना हमने बना रखी है पूरी केमिस्ट्री, आराम से काम हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सोक्रोम, यानी जो ऑक्सोक्रोम है वो कौन कितना इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा Nr2, उससे कम NHR, उससे कम NH2, उससे कम OH, उससे कम X, सबको पता होना चाहिए। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है, नहीं पता तो हम यहां लिख के दिखा देते हैं सर। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कोई भी हो सकता है। R मतलब क्या होता है, एल्केल, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं मेरे भाई, ठीक है। अ कलर्ड कंपाउंड एग्जिबिट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब देखिए कलर कंपाउंड कलर क्यों दिखाता है, फिर बता चुके हैं क्रोमोफोर के कारण, और क्रोमोफोर का भी ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा था, NH2 था, क्या था मेरे भाई, NH2, तो कनेक्ट करते हो चलो चीजों को। विच ऑफ दीज आर यूज एज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, निम्न में से कौन से एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, तो कुछ हैं जो विकल्प में हो लगा दीजिएगा, फिनॉफ्थलीन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज होता है, इंडिकेटर सूचक के रूप में कॉन्गो रेड यूज होता है, मेथिल ऑरेंज यूज होता है। जब आप 9th या 10th क्लास में थे आपने तभी पढ़ा होगा, ठीक है, कि सूचक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के पूरे होने की जानकारी देते हैं सूचक कहलाते हैं, और दो ही हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, फिनॉफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, तो यहां पर लिख रखा है, ठीक है। Which one of the following pairs is not correctly matched? दोनों कौन से पेयर हैं जो आपस में मैच नहीं करते हैं, फिनॉफ्थलीन और एंथ्राक्विनोन डाई, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, फिनॉफ्थलीन एंथ्राक्विनोन डाई नहीं है भाई, ठीक है। A substance which appears orange absorbs the radiation in the range, यानी जो substance अगर orange color absorb कर रहा है सर, ठीक है, तो वो the radiation कौन सा, मतलब सॉरी एक मिनट समझिए, A substance which appears, appears मतलब प्रकट करता है, दिखाता है, तो अगर कोई substance जो है वो नारंगी color दिखाता है, नारंगी color like प्रकट करता है, तो वो किस color की, किस range की जो है radiations को absorb करेगा, तो 480 से 490 nanometer की radiation अगर वो absorb करता है तो वो नारंगी कलर दिखाएगा। देखो कलर की भी अपनी अपनी रेंज होती है, इस रेंज से इस रेंज तक, इस रेंज से इस रेंज तक, इस तरीके से, जैसे विजिबल, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, यूवी, इस तरीके रेज की रेंज होती है ना रेडिएशंस की, उसी तरीके से, ठीक है। कलर लेक फॉर्म्ड बाय एलिजरीन विद एमजी डबल पॉजिटिव, कैसा कलर बनता है, एमजी डबल पॉजिटिव एलिजरीन डाई अगर लेते हैं तो वायलेट यानी बैगनी कलर मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए हाइड्रोकार्बन जो है, स्टरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव द ट्रांजिशन, कौन सा देते हैं, तो यहां पे आप सैचुरेटेड लिखा हुआ, ये गड़बड़ हो गया सर, इसे हम सही कर दे रहे हैं, लीजिए सर, स्टरेटेड तो अलग मीनिंग हो गया इसका, इसका मतलब है सैचुरेटेड, ठीक है सर। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, संतृप्त, जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे बॉन्ड क्या होते हैं सिंगल, उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड, इसे ठीक कर लेना भाई, ये गड़बड़ लिखा हुआ। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा ट्रांजिशन देते हैं, तो मेरे सब भाई सबको पता होना चाहिए, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सारे डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, सारे ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब क्या देंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देते हैं मेरे भाई, ठीक है। कलर ऑफ अ कंपाउंड इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, कंपाउंड के कलर को सबसे अच्छा किसने बताया, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, हालांकि एक पहले थ्योरी दी गई थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं रही, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी उसका अपडेटेड वर्जन था, ठीक है। मैलेकाइट ग्रीन इज ऑप्टेंड बाई द कंडेंसेशन ऑफ, यानी मैलेकाइट ग्रीन किससे मिलता है, किससे बनती है, तो बेंजल्डिहाइड ले लो, डाई मेथिल एनिलीन ले लो, बन जाएगी, सब हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जब आपको डिटेल में पढ़ा रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज आर एजो डाइज, निम्न में कौन सी डाई एजो डाई है, एंड इज यूज एज सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट के रूप में यूज करी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, सल्फोनिक एसिड, तो सारी की सारी एसिड डाइज होती है सर, ठीक है। एलिजरीन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, यानी एलिजरीन किस क्लास में आती है, तो मॉल्डेंट डाई में आती है, मॉल्डेंट क्या होता है आपको बता दिया, जब डाई नहीं चिपक रही होती तो इनका काम होता है बीच में जुड़ के जबरदस्ती चिपकवा देना सर, ठीक है, जीजा फूफा वाला काम होता है एक तरीके से। एंड एजो डाई इज फॉर्म्ड बाई इंटरेक्शन ऑफ एन एरोमेटिक डाई एजोनियम क्लोराइड विद, डाई एजोनियम क्लोराइड की किससे रिएक्शन कराएं, तो एजो डाई बन जाएगी, तो मेरे भाई फिनॉल से रिएक्शन करा दो बन जाएगी, ठीक है। Which of the following is an example of basic dye? Basic dye का example, malachite green एक basic dye होती है, एक बाकायदा copy बनाई है उसमें लिखी है malachite green से related चार question है, तो basic dye है, ठीक है, modern dye है, जो भी कुछ है उसके बारे में लिख दिया, और एक बारे में गोला बनाया, उससे related कुछ भी आएगा याद हो जाएगा सर, ठीक है। इन्हें लिखिए जरूर, सिर्फ फोन में PDF डाले रहोगे तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ लोग एक बात और भी कहेंगे, हम चाहते कहीं से उठा के स्क्रीनशॉट लगा देते, सारे लिखते हैं बैठ के भाई, टाइम नहीं होता तब भी घसीटा मारते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं लेकिन लिखते हैं, हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखो भाई, हमारा पेपर थोड़ी है, पेपर तो आपका है भाई, हम तो चाहें आराम से 20-20 की सीरीज, क्या मतलब है यार उसका,
भाई सीधी सी बात, अगर वो कंटेंट काम में ही नहीं आएगा तो लाने का मतलब क्या भाई, आपकी जिंदगी में वैल्यू ही ना हम ऐड कर पाए तो क्या फायदा। परसों अगर किसी बच्चे का पेपर है, बच्चा अभी बता रहा था पेपर है, तो अगर पेपर है तो कंटेंट डालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है भाई। तो रियलिटी यही है कि परेशान नहीं होना है और खुद भी लिखना, पेन चलाओ भाई, बिना पेन के काम नहीं चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज आर डिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ कास्टिक सोडा एंड सोडियम सल्फाइड। कास्टिक सोडा और सोडियम सल्फाइड की हेल्प से कौन डिजॉल्व हो जाता है, तो जितने भी सल्फर डाइज होती हैं वो सारी की सारी डिजॉल्व हो जाती हैं। द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन, किसे अभी हमने आपको बताया, कलर को एक्सप्लेन करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो अपडेट करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई मेरे भाई, ठीक है। इज एन एनाइनिक डाई, कौन एनाइनिक डाई, तो मेथिल ऑरेंज एक एनाइनिक डाई है जिसका इस्तेमाल कैसे इंडिकेटर यानी सूचक के रूप में किया जा सकता है, बता चुके हैं आपको सर, ठीक है। एलिजरीन इज नोन एज, अब ये देखिए एलिजरीन, हमने ऊपर फिनोफ्थलीन लिख दिया लेकिन वो था नहीं, एलिजरीन होती है एंथ्राक्विनोन डाई, तो ये मैच है मेरा, ठीक है भाई, एलिजरीन और एंथ्राक्विनोन डाई दोनों जो है मैच है, एलिजरीन एक एंथ्राक्विनोन डाई है, इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता, फिनोफ्थलीन में थोड़ी पाया जाता, वो मैच गलत था भाई। Which of the following is the most suitable dye for synthetic fiber? Synthetic fiber के लिए कौन सी सबसे अच्छी dye है? Acid dye जितनी भी है, synthetic fiber को color करिए कोई दिक्कत नहीं है। The example of azo dye, azo dye का सबसे बड़ा example methyl orange, और ये बहुत important है मेरे भाई, ऐसे पूछेगा जरूर azo dye कौन सी है भाई, तो azo dye कौन सी है बताओ, methyl orange एक azo dye है, ये छोड़ नहीं सकते हो भाई। द एग्जाम्पल ऑफ anthraquinone dye, ये भी देखो डबल है लेकिन एलिजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम्पल भाई। उसके बाद अगर हम लोग अगले की बात करें तो डाइज विच बिकम लिंक्ड टू द फाइबर बाई केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहलाती हैं, एसिड डाई कहलाती है, यानी जो डाई विच बिकम लिंक्ड टू द फाइबर बाई केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जब कभी ये कनेक्ट हो जाती हैं किससे, फाइबर से केमिकल रिएक्शन कराने पे केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा, तो उन्हें क्या कहते हैं, एसिड डाइज कहते हैं, ठीक है। इंडिगो क्या है, बैट डाई है, ऊपर बता चुके हैं। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एज अ डाई, डाई की तरह यूज करने के लिए क्या जरूरी है, तो क्रोमोफोर होना चाहिए भैया और ऑक्सोक्रोम होना चाहिए, क्रोमोफोर, क्रोमोजेन के अंदर क्रोमोफोर होता है, क्रोमोजेन और क्रोमोफोर क्या करेंगे, कलर देंगे, ऑक्सोक्रोम उसकी पावर को बढ़ाएंगे और डाई की तरह वो काम कर पाएगा। कांगो रेड भी एक एजो डाई है, तो विकल्प में पूछे एजो डाई इज, जो ऑप्शन में दे रखा हो उस पर टिक कर देना, कांगो रेड एक एजो डाई है। मैलेकाइड ग्रीन किसे कहते हैं, तो ट्राई एरिल मेथेन डाई, इसे ही हम लोग कहते हैं मैलेकाइड ग्रीन, इसका फॉर्मूला ये सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डाई, तो बेसिक डाई कौन होती है, मैलेकाइड ग्रीन। अब ये देखो कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं डाई से रिलेटेड और यही आएंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा बस आपको, सीधी सी बात है, बाकी इसके अलावा और प्रैक्टिस करो, कहीं से मॉडल देखो, कोई पुराना पेपर उठाओ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो भाई, हम तो जितने विकल्प ला सकते हैं ला ही रहे हैं और अभी हम लाते रहेंगे, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी भाई, जितने लगा पाओ प्रैक्टिस कर लो उतना ही सही है। रूट्स ऑफ, अब यहाँ पे देखिए जो मदर प्लांट होता है उसकी रूट कहाँ, मतलब किस उसमें क्या होता है, तो उनमें एलिजरीन डाई होती है सर, ठीक है। द डाई विच इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन वगैरह दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल होती है, वो कौन सी होती है, क्रिस्टल वॉयलेट होती है सर, ठीक है। ऑप्टिकल ब्राइटनेस आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑप्टिकल ब्राइटनेस का मतलब क्या, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश, ब्राइट मतलब चमकीले, चमकीले प्रकाश को क्या कह सकते हैं, व्हाइट डाई कह सकते हैं सर, ठीक है। इन डाई इंडस्ट्री वेट डाई इज रिप्रेजेंटेड, जो वेट डाइज होती हैं उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं डाई इंडस्ट्री में, अब जाहिर सी बात है कोई इंडस्ट्री होगी हर चीज का कोई रिप्रेजेंटेशन होगा, ये लिख दिया डब्बे के ऊपर, ये लिख दिया, नहीं तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है। फिनोफ्थलीन इज यूज्ड एज इंडिकेटर, हमने आपको बताया फिनोफ्थलीन हो गई, कांगो रेड हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गई, ये सब क्या होते हैं, सूचक होते हैं, अभिक्रिया के पूरे होने की जानकारी देते हैं भाई, सीधी सी बात है। द कलर ऑफ द विजिबल लाइट प्रेजेंट्स हायर एनर्जी, किस कलर की विजिबल लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ब्लू कलर की भाई, ठीक है। द फॉलोइंग डाई प्रोड्यूसर रेड कलर इन एल्केलाइन मीडियम एंड बिकम्स कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, फिनोफ्थलीन कहलाएगा, क्या है भाई, द फॉलोइंग डाई प्रोड्यूसर रेड कलर यानी लाल कलर बनाता है इन एल्केलाइन मीडियम क्षारीय माध्यम में एंड बिकम्स कलरलेस और रंगहीन हो जाता है एसिडिक यानी क्षारीय माध्यम में, ठीक है भाई। कौन होता है, फिनोफ्थलीन, लाल कलर देगा या फिर रंगहीन, कोई कलर नहीं देगा, ठीक है। पैराक्विनॉइड इज, पैराक्विनॉइड क्या है, तो एक क्रोमोफोर है ये भी, जिसमें क्विनॉइड, यही क्विनॉइड थ्योरी थी भाई, जिसमें भी क्विनॉइड स्ट्रक्चर होगा वो कलर्ड होगा, ठीक है, वो डाई होगा भाई, ठीक है। मैलेकाइड ग्रीन क्या होती है, ऊपर लिख चुके हैं, ट्राई फेनिल मेथेन डाई होती है। एलिजरीन क्या होती है, एंथ्राक्विनोन डाई होती है, ऊपर आ चुका है। एजो डाई क्या है, मेथिल ऑरेंज भी एक एजो डाई है, ठीक है भाई। नेचुरल डाई में एलिजरीन आ जाएगी, ठीक है, एलिजरीन हो गई, और बल्कि एलिजरीन अगर विकल्प में हो तो एलिजरीन ही लगाना, ठीक है, और अगर ना हो तो फिर इंडिगो, अगर विकल्प में हो तो इंडिगो लगा देना, हालांकि इंडिगो बनाई ही थी अंग्रेजों ने, लेकिन अब नहीं ऑप्शन में होगा तो फिर इंडिगो लगाएंगे, ठीक है भाई।
अ डाई ऑब्टेंड बाई कपलिंग रिएक्शन इज नोन एज, जब कपलिंग होती है आपस में जुड़ जाती है उसे डाई को क्या कहते हैं, तो एजो डाई, एक दो आपस में कपल जुड़ गए एजो डाई कहलाएगी, ठीक है। क्रोमोफोरिक, जैसे देखिए ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर, इसे पहचान लो जहां कहीं भी ये दिखे, जिस स्ट्रक्चर में, चार स्ट्रक्चर दे दिए पूछे कौन सा कलर्ड है, तो अगर ये स्ट्रक्चर किसी में दिख जाए समझ जाओ ये कलर्ड होगा, ये क्विनॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। एजोडाइज आर कैरेक्टराइज्ड बाई अ फंक्शनल ग्रुप, तो एजोडाई, अब ये देखिए जहां कहीं भी एन डबल बॉन्ड एन होता है इसे एजो ग्रुप कहते हैं, तो जिनमें ये होगा वो एजोडाई कहलाएंगे भाई, सीधी सी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एलिजरीन इज अ डाई, कौन सी मॉडर्नट डाई होगी, कौन सी होगी मॉडर्न डाई, ठीक है। फ्लोरिसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंथीन, किसे, फ्लोरिसिन का एग्जाम्पल किसका है, फ्लोरिसिन किसका एग्जाम्पल है, जेंथीन का एग्जाम्पल है सर, ठीक है। डाइज है प्रॉपर्टी ऑफ कलरिंग, तो डाई में कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा कलर होता है, कलर करने की प्रॉपर्टी होती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, नए जमाने के हिसाब से कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाई डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करती है, तो प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है नए जमाने के हिसाब से, ठीक है भाई। पुराने जमाने के हिसाब से वही क्रोमोफोर वगैरह मिल जाए सर, ठीक है। विच इज यूज फॉर कलरिंग ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक को कलर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एलिजरीन डाई का यूज करते हैं सर, ठीक है। विच इज डायरेक्ट डाई, कौन सी डाई डायरेक्ट है, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट कलर करती है, मैलेकाइट ग्रीन। Which is not the chromophore, कौन सा क्रोमोफोर नहीं है, तो NH2 क्रोमोफोर नहीं है, NO2 है, NO है, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड है, जिनमें जे मिल जाए समझ लेना कलर दिखाएंगे, जे मिल जाए मतलब कलर नहीं दिखाएगा, ये क्रोमोफोर नहीं है सर, ठीक है। Which is नाइट्रो डाई, ठीक है, तो नाइट्रो डाई कौन सी होती है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का नाम ही होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जब फिनॉल में तीन नाइट्रो समूह जुड़ जाते हैं तो वो पिक्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है, तो नाइट्रो डाई कहते हैं इसे। Which is used as indicator in acid based titration, indicator के रूप में बता चुके हैं, तीन फिनोप्थिलीन होगा, मेथिल ऑरेंज होगा, कॉन्गो रेड होगा, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में फिनोप्थिलीन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ थैलीन डाई, ठीक है, इस क्या होता है फ्लोरिसिन, थैलीन में आ जाएगी, पी साइलेंट रख लेना इसमें सर, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ट्राई फेनिल मेथिल डाई का एग्जाम्पल है ये सर, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डाइज एब्जॉर्ब वेवलेंथ, तो विजिबल रीजन से जितनी भी डाई होती हैं वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, विजिबल रीजन की वेवलेंथ आपको पता होगी 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच लगभग होती है, मोटा मोटा बताएं तो 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच, ठीक है। Which of the following is an azo dye? तो मेथिल ऑरेंज एक azo dye है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, एक देख लेना आप, निम्न में एजो डाई कौन सी, तो जितनी भी एजो डाई हैं उन सबको जो जो इसमें आ रही है सबको नोट कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एजो डाई कौन सी, जो भी कल में आए वो लगा देना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केलाइन डाई, तो एल्केलाइन डाई कौन हो जाएगी, मैलेकाइट ग्रीन हो जाएगी। विच ग्रुप इज फाउंड इन एल्केलाइन डाई, एल्केलाइन डाई में कौन सा ग्रुप होता है, तो NH2 ग्रुप होता है, ठीक है भाई। मेथिल ऑरेंज गिव्स विच कलर इन एसिडिक मीडियम, मेथिल ऑरेंज एसिडिक यानी अम्लीय माध्यम में कौन सा कलर देता है, लाल कलर देता है। विच इज अ डायरेक्ट डाई, तो एलिजरीन भी एक डायरेक्ट डाई है। अ डाई एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, कलर ऑफ दिस डाई इज, अगर ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा इस डाई को, ठीक है। एलिजरीन गिव्स रेड कलर टू फैब्रिक विद, एलिजरीन जो लाल कलर देती है वो किसके साथ देती है, तो एल्यूमिनियम Al ट्रिपल पॉजिटिव आयंस के साथ देती है। विच इज यूज टू प्रिपेयर बूट पॉलिश, बूट जो जूता वाली पॉलिश होती है उसे बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो मेरे भाई बिस्मार्क ब्राउन का यूज करते हैं, पता होना चाहिए आपको सर, ठीक है। और विच इज यूज टू प्रिपेयर मैजेंटा, ठीक, मैजेंटा जो, तो शिफ रिएजेंट, मैजेंटा अपने आप में कलर है, डाई है, पता होना चाहिए, शिफ रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। लगभग 80 के करीब विकल्प हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए हैं, और आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा हमने स्पीड क्यों बढ़ाई है, क्योंकि आपके पेपर हैं भाई, ठीक है। और डेली 20-25 विकल्प आ रहे थे, लेकिन मान के चलो अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा तो 80 के करीब विकल्प वो इस चैप्टर से देखेगा, उसे कुछ तो समझ में आएगा ना सर। बाकी और भी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे जितने विकल्प हैं इन्हें जरूर देखिए, PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, अगर कोर्स में देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना टेलीग्राम पर PDF अभी अपलोड कर देंगे हम, क्योंकि हो सकता है किसी का कल या परसों पेपर हो, तो हम आज ही अपलोड करवा देंगे सारी PDF जितनी भी हैं, आराम से इन्हें देख डालिए, और प्रैक्टिस करवाने के लिए और विकल्प आपके लिए लेके आएंगे, कुछ पेपर्स हम शेयर करेंगे वहाँ पे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो सर, ठीक है। डेली एक पेपर हम शेयर करते रहेंगे, उसे भी देखना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके बताओ। रह गई फिजिक्स की बात, अभी लगभग हम सुबह यहीं हैं 5-6 बजे से, और चाय भी नहीं पी है अभी, लगभग अगर हम आपको टाइम बताएं तो 12-12:30 के करीब बज गया होगा, तो अब हम क्या करेंगे, पहले घर जाएंगे, इस वीडियो को वहीं एक्सपोर्ट करके वहीं अपलोड करेंगे, यानी अगर हम एक अंदाजा बताएं तो ये वीडियो 1-1:30 बजे के आसपास आ पाएगी, 2 बजे के आसपास हो सकता है आ पाए, उसके बाद खाना खा के हम तुरंत वापस आएंगे,
वापस आने के बाद कंटेंट पे काम स्टार्ट करेंगे। देख भी रहे थे हम सुबह से बैठे हुए, सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर की एक फिजिक्स की वीडियो पब्लिक करेंगे जहाँ तक हम कर पाएंगे, कोशिश रहेगी पूरी। और उसके बाद फिर फोर्थ सेमेस्टर वालों को भी कुछ ज़रूरत है तो उनके लिए भी कुछ कंटेंट पब्लिक करेंगे सर, ठीक है। और कोर्स के लिए भी कुछ वीडियोस बननी है, तो आज का ये मेरा शेड्यूल होने वाला है। काहे का ही संडे है, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया सर, ठीक है। तो चलिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोशिश हम अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। आपको दिक्कत है कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।